सुरंग में नहीं आ रही सांस, क्या टूट जाएगी आस? भगवान से प्रार्थना करें कब हमारा लड़का निकल जाए। ऊपर वाले से यही दुआ कर रहे हैं कि बस जितना जल्द हो सके वो लोग सही सलामत वहाँ से निकल जाए। न रोशनी न ऑक्सीजन, टेंशन में परिजन। वहाँ वाला आदमी जो बोल रहे हैं कि हम आज गाड़ी लगाए हैं, कल गाड़ी लगाए हैं, मशीन लगा हुआ है, मशीन लगाता है टूट जाता है, अब यहाँ हम लोग कहाँ करते हैं। डेली मीडिया वाले आते हैं, डेली जाते हैं सर, कुछ नहीं है सर। विज्ञान भी निराश, भगवान भरोसे प्रयास। दुनिया के एक्सपर्ट्स जुटे हैं रेस्क्यू में, और कितने दिन बचे हैं? धीरे धीरे एक पैसेज बनाना होगा, क्योंकि हम कम से कम 48-50 मीटर तक पहुंच गए हैं, 10 मीटर और आगे जाना है, लेकिन 10 मीटर जो मैन्युअली काम होगा इसमें काफी लंबा वक्त लगेगा। खराब हुई ऑगर मशीन, पाताल तक कैसे खोदेगी जमीन? ऑगर मशीन जिसके जरिए लगातार टनल के अंदर ड्रिलिंग का काम चल रहा था, जिसकी मदद से पाइपलाइन एक इस तरीके से तैयार की जा रही थी ताकि 41 लोग जो अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके, लेकिन वो ऑगर मशीन कल टूट गई है। 14 दिन से रेस्क्यू जारी, फेल हुई सारी तैयारी। कब तक पाइप से खाएंगे मजदूर, कब बाहर आएंगे? उनके लिए खिचड़ी भी तैयार कर दी गई है, ये आप देख रहे हैं कि ये खिचड़ी जो है इसी को ही किसी बॉटल के जरिए उसमें भरकर और फिर कंप्रेसर के जरिए उन तक पहुंचाया जाएगा।